कैबिनेट मंत्री कुमावत ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, दिए निवारण के निर्देश। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को पाली जिले के मुंडारा में आयोजित जनसभा में आमजन की समस्याओं का त्वरित निवारण करने के साथ ही उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव कटिबद्ध है। सरकार की मंशा है कि आमजन के समस्याओं का तुरंत निवारण करने के साथ ही उन्हें तुरंत राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आमजन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं लेकिन उसी अनुपात में पौधारोपण नहीं कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे में सभी को मिलकर सार्वजनिक स्थानों, खेतों, मंदिर परिसर, मुख्य सड़क मार्ग के दोनों ओर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर पर्यावरण को संतुलित करना चाहिए। पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक आदमी को पर्यावरण के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसे में सभी को प्रत्येक खुशी के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने के साथ ही उनके संरक्षण का जिम्मा लेना चाहिए, तभी जाकर पूरा प्रदेश हरा भरा होगा। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में गायों की घटती जनसंख्या पर अफसोस जताते हुए कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए आम आदमी आगे आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जल्द ही नंदी गौशाला खुलवाई जाएगी, जिससे कि गोपालकों को राहत मिल सके। इस मौके पर उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी, सरपंच प्रवीण वैष्णव, तहसीलदार देसूरी व बाली मौजूद रहे। स्वागत है कि आप हमारे बीच पधारे, तहे दिल से आपका अभिनंदन। और आप सब पूरे 36 कोम के लोग यहाँ पधारे और इस वर्षा दिन आप भागीदार बने, इसके लिए भी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो परिवार खूब आगे बढ़े, क्योंकि ये धर्म का काम है और धर्म की नैया को जिस तरह से आगे बढ़ाया जाता है तो ये हमारा सौभाग्य है कि धर्म की नैया इसी तरह से बढ़ती रहे। ये आप और हम सबका